हेलो बच्चों, मैं सौरभ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पार्ट फिफ्थ। इसमें हम लोग 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन सिर्फ देखिए, इफ द वर्क डन ऑफ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे वर्क डन होता है तो उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स लगता है और वो कुछ डिस्प्लेस करता है। मान लो कोई एक बॉडी है। इफ द वर्क डन ऑफ अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, इस पे एक कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या है? फोर्स कॉन्स्टेंट है। अगर इस पे कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो क्या होता है, जितना फोर्स लग रहा है उतना क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, समझे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। इफ अ वर्क डन ऑन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, उस पर फोर्स लग रहा है तो उस पर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, समझे बच्चो। इसमें क्या दिया हुआ है तुमको, डिस्टेंस ट्रेवल कितना दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल मान लो कि डिस्टेंस मान लो तुम्हारा एक्स है, तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एक्स। इसको लिखोगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एक्स। मान लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल एक्स कर रहा है। और वर्क डन मान लो, वर्क डन कितना है, वर्क डन मान लो वाई है, तो लेट द वर्क डन इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखो, इफ द वर्क डन मतलब वाई, इफ द वर्क डन ऑफ बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्स्टेंट फोर्स, फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब ये हटता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ये कॉन्स्टेंट टर्म आ जाता है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले वो कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा, फोर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है। और फोर्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उसका कॉन्स्टेंट फोर्स कितना है, फाइव है। कॉन्स्टेंट फोर्स कितना है, यहाँ लिखोगे वाई इक्वल टू फाइव इंटू एक्स। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एंड ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। पहले इक्वेशन क्या हो गया अपना, वाई इक्वल टू फाइव एक्स हो गया। अब इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, टू पॉइंट मालूम कर लो। जैसे मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी। तो एक्स की वैल्यू हम मान लो जीरो रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू मान लो जीरो रख रहे हैं तो वाई कितना हो गया, जीरो। एक्स की वैल्यू मान लो वन रख रहे हैं तो वाई कितना हो गया, फाइव हो गया। अब इस दोनों से होते हुए एक ग्राफ प्लॉट करोगे, करते हैं। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपका एक्स हो गया, ये वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश, ये वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये हो गया। अब एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। एक्स जीरो वाई जीरो यहां पे आ गया ऑरिजिन पे, एक्स जीरो वाई जीरो। अब देखो, एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू फाइव, एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू फाइव, यहां पे आ गया आपकी। इसको आप स्केल से अच्छे से इसको ड्रॉ करोगे, वन कॉमा फाइव। अब इस दोनों लाइन को आप मिला दोगे, ये एक्यूरेट स्केल से करोगे तो अच्छे से होगा, यहाँ पे नहीं आ पाया। अब बोल रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ ऑफ वर्क डन बाय द डिस्टेंस। अब देखो, हमने एक्स किसको माना था, हमने एक्स माना था किसको, एक्स माना था डिस्टेंस को। एक्स था अपना क्या, एक्स अपना था डिस्टेंस, वाई अपना था वर्क डन। ठीक है बच्चों, एक्स क्या था डिस्टेंस, वाई क्या था वर्क डन। अपना आया क्या था, वाई इक्वल टू फाइव एक्स, जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था। अब क्वेश्चन पढ़ो, फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर तुम्हारा चेंज होगा तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो बोल रहा है डिस्टेंस अगर टू हो तो वाई इक्वल टू डिस्टेंस अगर टू हो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टेन। ग्राफ में डिस्टेंस अगर टू होगा तो वर्क डन तो बस मिलाओगे इस लाइन को, टेन पे कटेगा। अब बोल रहा है कि ग्राफ में अगर डिस्टेंस जीरो हो, डिस्टेंस जीरो हो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। देखो डिस्टेंस जीरो है तो वर्क डन जीरो है। इस तरह ग्राफ से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए,
क्वेश्चन नंबर सेवन, यामिनी और फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन. क्वेश्चन नंबर सेवन है कि दो स्टूडेंट है यामिनी और फातिमा. यामिनी और फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट रुपीज 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टू द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक विक्टम, अर्थक्वेक विक्टम में जो भूकंप के विक्टम में जिसमें उसके लोग थे, उन्होंने इन दोनों ने मिलकर कितना रुपीज 100 रुपीज सबमिट किया. ठीक है, तो लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मान लो यामिनी, यामिनी का मान लो कंट्रीब्यूशन एक्स था. मान लिया हमने कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन एक्स था, तो फातिमा का मान लो कितना, फातिमा का वाई है, फातिमा का कंट्रीब्यूशन वाई है. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यामिनी और फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट रुपीज 100. दोनों ने मिलकर कितना सबमिट किया, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज सबमिट किया स्कूल में. दोनों ने मिलकर मतलब x प्लस वाई क्या हो गया, 100 हो गया. अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, राइट अ लीनियर इक्वेशन, ये हो गया अपना लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ, और इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है. ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना. ठीक, क्वेश्चन समझ में आपको आ गया. यामिनी और फातिमा नाइन्थ क्लास की दो स्टूडेंट थी, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज सबमिट की अर्थ विक्टम के लिए. तो हमने मान लिया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी एक्स, यामिनी का कंट्रीब्यूशन एक्स है मान लो, और फातिमा का कंट्रीब्यूशन वाई है. तो एक्स प्लस वाई को तो क्या हो गया, 100 हो गया, ये हमने मान लिया. ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करने बोल रहा था, मैं सिखाया था आपको कि मान लो एक्स इक्वल टू क्या, 100 माइनस वाई हो गया ये. अब वाई की वैल्यू मान लो हम कितने रख रहे हैं, कुछ भी 100 है, थोड़ा बड़ा है. वाई की वैल्यू मान लो हमने 10 रखा, वाई की वैल्यू हमने 10 रखा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 100 माइनस 10, एक्स क्या 90 हो गया. मान लो वाई की वैल्यू हमने 50 रखा, अपने मन से कुछ भी कर सकते हो उसमें, तो 100 माइनस 50 ये 50 हो गया एक्स की वैल्यू. ठीक है बच्चों, अब ग्राफ कैसे प्लॉट करो, देखो इसमें 100 और 90 का इंटरवल है, मतलब तो 10-10 इसमें हम लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इंटरवल जो है मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से ले सकते हैं, 20-20 का भी ले सकते थे. ठीक है, सेम इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. अब देखिए इस वाले में x y की वैल्यू हमने 10 रखा, x कितना आ गया 90, y की वैल्यू 10, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है. तो हमने y की वैल्यू 10, तो y पे 10 यहां है, y की वैल्यू हमने 10 रखा, तो x क्या आ गया 90, तो y की वैल्यू हमने 10 रखा, y ये हो गया, तो x क्या आ गया 90, मतलब यहां पे ग्राफ बना. पहले x को लिखते हैं, तो 90, 10, पहले हम x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में हम y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. अब देखिए y लिख रखा 50, x भी 50, y 50 मतलब यहां आ गया, x भी 50, तो इन दोनों को आप स्केल से मिला दोगे, ये जहां पे कटेगा ये उसका कोऑर्डिनेट होगा 50-50, अब दोनों पॉइंट को मिला दो, ये से ग्राफ हो गया. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8. तो आप लोग बुक से देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, बोल रहा है कि कुछ कंट्रियां जैसे यूएसए और कनाडा में हम लोग टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में मीजर करते हैं. आप जानते हो गए, सॉरी, टेम्परेचर को मीजर करने के लिए सेल्सियस होता है, एक फारेनहाइट होता है और एक केल्विन होता है. तो कनाडा और यूएसए जैसे कंट्रीज में टेम्परेचर को मीजर करने के लिए फारेनहाइट का यूज करते हैं. वेयर एज इन द इंडिया मीजर इन सेल्सियस, तो इंडिया में हम लोग सेल्सियस का यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, अब इसमें इक्वेशन दिया हुआ, दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि फारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 C/32 हो गया. ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर, अब इसमें ग्राफ प्लॉट करने बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है, तो वही करेंगे.
सेल्सियस को कुछ मानेंगे तो फारेनहाइट कुछ आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या किए, सेल्सियस को कुछ माने तो फारेनहाइट आया, ठीक है। अब देखो सेल्सियस को अगर हम जीरो मान लिए, इजी करने के लिए, पूरा जीरो हो गया, 32 हो गया, ठीक है बच्चों। अब सेल्सियस को मान लो 5 मान लिए, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 9 41, ठीक है बच्चों, ये इजी हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करो इसका, आपको अब ग्राफ प्लॉट करने आ गया होगा, एक्स हो गया ये आपका, ये वाई हो गया, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, जीरो। अब देखो 32 40 है, तो अब ग्राफ में, ग्राफ में क्या होता है 1 2 3 4 5, इस तरह 10 होता है, तो मान लो 10 होगा, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये 40 हुआ, यहां भी आपका 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ और 40 हुआ। अब देखो अगर इसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा और इसको हमने वाई एक्सिस पे रखा, तो एक्स जीरो वाई 32, एक्स जीरो वाई 32 यहां पे आएगा, तो 0 32, एक्स 5 यहां आया 5 आपको मान लो, और वाई 41 यहां आ गया, तो ये क्या मिल गया। अब इसको इस तरह से आप मिला दोगे, ये इसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको आप ग्राफ कॉपी पे करोगे स्केल से तो और क्लियर बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट में उसका कितना होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट में इसका टेम्परेचर कितना होगा, मतलब आपको सेल्सियस की जगह पे 30 रखना और आपको फारेनहाइट फाइंड आउट करना है। तो हम वही देखते हैं, फारेनहाइट इक्वल्स टू होता क्या है, 9/5 × C+32, तो सेल्सियस के बदले कितना पुट करना है, 30 पुट करना है, 9/5 × 30+32 84 + 32 86, तो आंसर कितना आ गया आपका, 86 आ गया आंसर। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड आपको है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, अगर फारेनहाइट में 95 हो, फारेनहाइट में 95 हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फारेनहाइट में कितना हो, 95 हो, तो सेल्सियस में कितना होगा। तो फारेनहाइट की जगह पे 95 पुट करोगे और सेल्सियस निकाल दोगे, तो कैसे करोगे, F इक्वल टू 9/5 × C+32 हो गया, F को लिखोगे 95, 9/5 × C+32, अब ये प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, 95 − 32 = 9/5 C हो गया, 63 = 9/5 × C, अभी मल्टीप्लाई होगा, 63 × 5/9 = C, C = 35 आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसी का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, अगर इक्वेशन क्या था, एफ इक्वल्स टू 9/5 C+32, इसमें दो क्वेश्चन है, अब बोल रहा है कि अगर सेल्सियस में 0 डिग्री होगा तो फारेनहाइट में कितना होगा, और अगर फारेनहाइट में 0 डिग्री फारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में कितना होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दो क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है सॉल्व करते हैं। अब देखिए फारेनहाइट इक्वल्स टू क्या हो गया, 9/5 C+32, तो 9/5 0+32, तो ये क्या हो गया, 32 फारेनहाइट हो गया। अब क्या बोला, फारेनहाइट में जीरो पुट करना है, तो एफ इक्वल्स टू 9/5 C+32, इसमें जीरो पुट करना है, तो 9/5 C+32 इधर आ गया, ये −32 = 9/5 × C, 5 डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 = C, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 32 × 5 160,
सी इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 9, इसको सॉल्व कर देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, एट दिस टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इज द सेम एज बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, किस टेम्परेचर पे फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होगा, किस टेम्परेचर पे फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं तो मतलब क्या बोल रहा है इसमें, इसमें आपको ये बोलना चाह रहा है कि फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब फारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस दोनों सेम हो, दोनों लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सेल्सियस के बदले फारेनहाइट पुट कर सकते हो, फारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 फारेनहाइट प्लस 32 हो गया, यहाँ पे हमने सेल्सियस की जगह पे फारेनहाइट पुट कर दिया, अब प्लस 32 इधर आ जाएगा, तो एफ माइनस 32 9/5 एफ, अब एफ किस चीज में, डिवाइड में, इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 9f, अब देखिए यहां पे 5f माइनस 160 इक्वल्स टू 9f, ठीक है बच्चों। अब 9f को इधर ले आओ, 160 को इधर ले जाओ, बहुत सिंपल अब तो है, 5f माइनस 9f इक्वल्स टू 160 माइनस 4f इक्वल्स टू 160 एंड f इक्वल्स टू 160 अपॉन माइनस 4 f इक्वल्स टू माइनस 40, मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे फारेनहाइट की और सेल्सियस की दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है बच्चों। इस तरह आपका 4.3 का पूरा लेक्चर हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.4 देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।